और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर सीएमएस को उचित निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पूर्व एमएलसी के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया, और इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए विपक्ष पर हमला बोला। चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो रही है, बच्चों के वार्ड में भी हम गए, बच्चों का भी इलाज ठीक ढंग से हो रहा है। साफ सफाई के लिए और जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमें चिकित्सा अधीक्षक महोदय से कहा है, शीघ्र ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। जो भी कमियां हैं लगातार सुधार जारी है। सर, कानपुर घटना पर आपने तुरंत एक्शन लिया था, क्या अभी चल रहा है इसमें? देखिए, उसमें किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार की पूरा करेंगे। अभी बात सर लगातार बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो नैरेटिव था वो बदल चुका है। उत्तर प्रदेश सब विकास के पथ पर अग्रसर है, उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास कर रहा है, सर्वाधिक स्ट्रेज है, बिजली लोगों को मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं सुपोर्टिव है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र नंबर एक पर आ जाएंगे, लेकिन जो विपक्ष है वो नैरेटिव बदल करके वो जाति धर्म के आधार पर, इसके अलावा वो सामाजिक विद्वेष की भावना लोगों में फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में बेहतर से बेहतर काम कर रही है और लोगों का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा। सर, अभी देखिए, कन्नौज हमारे लिए बहुत अहम है, सुगंध नगरी है, दुनिया में लोग कन्नौज को जानते हैं और कन्नौज को हम लोगों ने प्राथमिक एजेंडे में रखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।